ये जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। फॉरगेटिंग कर्व ये बताता है कि अगर आप कुछ भी याद करते हो, इमेजिन करो आज आपने बायोलॉजी के चैप्टर को याद करा, तो आपको पहले दिन तो वो चैप्टर 100% याद है, बट जैसे ही एक दिन निकलेगा वही चैप्टर आपको केवल 80% तक याद रहने वाला है। और जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, जैसे 3 दिन अगर बीत गए, 3 दिन के बाद वही चैप्टर आपको केवल 60% तक याद रहने वाला है। मतलब तुम पढ़ाई तो बहुत कर रहे हो, चीजों को याद तो बहुत कर रहे हो, बट अगर तुमने रिवीजन नहीं करा, इस फॉरगेटिंग कर्व को नहीं तोड़ा, तो तुम नीट के अंदर कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर तुम मेरे बारे में नहीं जानते, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो बता देता हूँ, आई एम अ मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पिछले 3 साल से आप ही के जैसे नीट एस्पिरेंट्स को गाइड, मेंटोर और पढ़ा रहा हूँ। उसके साथ साथ एक एग्जाम होता है IIT JEE का, वो मैंने भी क्रैक करा हुआ है। चलो तो आज बात कर रहे हैं रिवीजन की, कि भैया साइंटिफिकली रिवीजन कैसे किया जाए। ये स्ट्रेटेजी वीडियो एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, पहले बता देता हूँ, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं दिखने वाली। क्यों? क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ये जो कर्व है ना, फॉरगेटिंग कर्व, इसको कैसे तोड़ा जाए। देख यार, नीट के एग्जाम में कॉम्पिटिशन तुझे पता है कितना हो चुका है, 20-20 लाख लोग एग्जाम में अपियर कर रहे हैं, सीट कितनी सी है। अब उसके अंदर ना बच्चा पूरी जान लगाता है, हर एक स्टूडेंट अपनी पूरी जान लगाता है, पढ़ते तो सब है बट रिवीजन भी करते हैं। और रिवीजन कैसे करते हैं, वो नहीं कि सारी चीजों को रिवाइज हम करे जा रहे हैं, नहीं, साइंटिफिकली रिवीजन करते हैं। देखो यार, इस जमाने के अंदर हमें स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो करोगे बट साथ साथ में स्मार्ट वर्क करेंगे। आज जानते हैं कैसे। देखो, इस फॉरगेटिंग कर्व को तो हमें तोड़ना है, ये तो हम समझ गए, बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, और आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। पहली चीज क्या है, पहली चीज है हमारी स्मॉल रिवीजन टेक्निक। देखो आई नो तुम अभी शायद 11th में होगे, या फिर 12th में होगे, या फिर ड्रॉपर होगे, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। बहुत बार आप ऐसा करते होगे कि एक चैप्टर आपका खत्म हो गया, उसके बाद जब उस चैप्टर का टेस्ट है आपके कोचिंग के अंदर, आपकी ऑनलाइन कोचिंग के अंदर, तब जाकर आप उस चैप्टर को रिवाइज करते हो, जबकि ये बिल्कुल बेकार तरीका है। हमें क्या करना है, हमें स्मॉल रिवीजन टेक्निक को फॉलो करना है। देखो जैसे इमेजिन करो, मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूं, मैंने अब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको पढ़ा रहा हूं, और पहली क्लास के अंदर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ चीजें बताई, मतलब मैंने आपको नोट्स वगैरह लिखवाए, 5-6 पेजेस के नोट्स लिखवाए। तो आपको पता है क्या करना है, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा, जैसे ही आप अपने घर की तरफ जाओगे, वैसे ही केवल 10 मिनट दोगे। कितने दोगे? केवल 10 मिनट दोगे, और उसको क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। क्योंकि 5 से 6 पन्ने जो आज मैंने आपको पढ़ाया, क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद जब मैं अगली क्लास लेने आ रहा हूँ, इमेजिन करो अगले दिन मैं आ रहा हूँ शाम को 6 बजे आपकी क्लास लेने के लिए, तो मेरी क्लास से पहले 5 मिनट पहले फिर से उन नोट्स को एक बार देख लो जो कि मैंने कल पढ़ाया था। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल रिवीजन टेक्निक, आफ्टर लेक्चर्स एंड बिफोर लेक्चर्स। अगर आपने हर सब्जेक्ट के साथ करना स्टार्ट कर दिया, ये जो रिवीजन वाली प्रॉब्लम है ना, तुम्हारी आधी तो यहीं खत्म हो जाएगी। तो स्मॉल रिवीजन टेक्निक को तो तुम्हें फॉलो करना ही करना है। अब अगली टेक्निक की बात करते हैं। अगली टेक्निक है हमारी 1-4-7 टेक्निक। अब इस टेक्निक को ना मैं मेन चैनल जो है हमारा उसके ऊपर मैं पिछले साल बता चुका हूँ, और शायद आपने, आप बहुत सारे टॉपर्स की इंटरव्यू में इस टेक्निक का नाम भी सुना होगा। हमने 1-1.5 साल पहले भी बताई थी, और बहुत स्टूडेंट की इससे मदद भी हुई थी। तुम्हें भी मैं बता देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता तो 1-4-7 टेक्निक क्या होती है। देखो ये एक साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। इमेजिन करो, अब हमें स्मॉल रिवीजन तो समझ आ गए कि डेली का काम डेली करना है, बट अब मैंने वो जो चैप्टर था ना प्रोजेक्टाइल मोशन, वो पूरा खत्म कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम्हारा वो चैप्टर खत्म हुआ, उसके एक दिन बाद, उसके 24 घंटे बाद आपको उस पूरे चैप्टर को उठाना है और नोट्स से रिवाइज कर लेना है। और ये तो तुम करते भी होगे, क्योंकि तुम्हें DPPs वगैरह भी सॉल्व करनी होती है, तो पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, ओवरऑल रिवीजन हो जाएगा, इसमें केवल आधा से 1 घंटा लगता है। उसके बाद जब आपका एक चैप्टर का रिवीजन हो गया 24 घंटे के बाद, अब आपको रिवाइज नहीं करना उस चैप्टर को। अब अगला रिवीजन आप कब करोगे, अगला रिवीजन आप करोगे 4th डे पे। जैसे अगर आज मैंने तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा खत्म करा दिया है, तो उसके 4th दिन बाद आपको उसी चैप्टर को वापस रिवाइज करना है। अब बोलोगे भैया 4th दिन ही क्यों, क्योंकि ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, जो कि मैंने भी आपको कर्व दिखाया था ना, फॉरगेटिंग कर्व, उसको तोड़ने के लिए टेक्निक है। तो उस कर्व को अगर तोड़ना है तो इस टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, केवल 1% बच्चा होता है जो कि इस टेक्निक को फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि ये वाली टेक्निक आसान नहीं है। स्मॉल रिवीजन तो बहुत लोग करते हैं, बट 1-4-7 बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। एक चैप्टर को पहले दिन रिवाइज करोगे 24 घंटे के बाद, उसके बाद हम उसको रिवाइज करेंगे 4 दिन बाद, उसके बाद हम उसको रिवाइज करेंगे 7 दिन बाद। अगर आपने ये 3 रिवीजन एक चैप्टर के कर लिए, मैं केवल नोट्स की रिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा पूरे लेक्चर उठा, नहीं, मैं केवल नोट्स के रिवीजन की बात कर रहा हूँ। अगर तूने 1-4-7 लगा लिया, मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद तुझे उस चैप्टर को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उस चैप्टर को रिवाइज करना केवल जब तेरा टेस्ट हो, टेस्ट से पहले तू जैसे रिवाइज करता है वैसे करना, बस। आई होप तुम्हें समझ आ गई होंगी हमारी दोनों टेक्निक। अब देखो यार,
ये तो हमने बोला है कि जो तुम्हारी क्लासेस चल रही हैं उनको तुम ऐसे रिवाइज करोगे, बट भैया एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है भैया? हमारे पुराने चैप्टर छूटे हुए हैं, हमारी बहुत सारी बैकलॉग्स हैं, उनको कैसे रिवाइज करें, उनके लिए कैसे टाइम निकालें। जैसे कि कोई स्टूडेंट है जो कि 24 में एग्जाम देने वाले हैं तो उनकी बहुत सारी बैकलॉग्स होंगी, या फिर 25 में भी एग्जाम देने वाले तो भी तुम्हारी 11th की बैकलॉग बन गई होंगी, तो उन बैकलॉग्स को कैसे खत्म करें, उनका रिवीजन कैसे करें। तो एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं और इस टेक्निक को ट्राई करना, फॉलो करने का बहुत आसान टेक्निक है। देखो हमें क्या करना है, हमें हमारे सारे चैप्टर्स को 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। पहला है बेस्ट चैप्टर, दूसरा है एवरेज चैप्टर, तीसरा है वर्स्ट चैप्टर। ये 3 क्या है? देख यार, इमेजिन कर फिजिक्स है। अब फिजिक्स के अंदर तूने 10 चैप्टर पढ़े हैं। अब उन 10 चैप्टर के अंदर कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे जो कि तुझे बहुत पसंद है, जिसके अंदर तूने ढंग से पढ़ाई करी, जिसके सारे क्वेश्चंस तेरे से हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। उन चैप्टर को डाल तू बेस्ट चैप्टर की लिस्ट में। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को NLM पसंद है, प्रोजेक्टाइल पसंद है, वो सारे चैप्टर को तुम डाल दो बेस्ट में। अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि तुमने पढ़े तो थे, जिनके तुमने लेक्चर्स तो लिए थे, बट उन चैप्टर के क्वेश्चन बनाने में तुम्हें दिक्कत आती है, वो तुम डालोगे एवरेज में। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हारी पूरी बैकलॉग्स हैं, जिनके अंदर तुम्हें कुछ नहीं आता। मतलब होता है ना कि कभी कभार हम कोचिंग नहीं जा पाए थे, हमारी हेल्थ इश्यूज हो गई थी, हमने उस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा, हमें 1% भी नहीं आता, वो होता है हमारा वर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले इन तीनों चैप्टर की कैटेगरीज बना लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। जैसे ही ये बनाते हो तो हम इन तीनों के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूँ यार, हमें इस दुनिया में अगर हमें जीतना है, देखो तुम्हें पता है कंपटीशन बहुत हाई है, हमें स्मार्ट वर्क पे फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम घिसते रहोगे होगा सिलेक्शन, बट बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें पता है इस बात को। स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। पहले हम रिवाइज करेंगे बेस्ट चैप्टर को। अब देखो बेस्ट चैप्टर को रिवाइज करने की टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत डिफरेंट टेक्निक है, शायद ये कोई और नहीं बताएगा। सिंपल सी टेक्निक, ध्यान से सुनना। देखो नॉर्मल रिविजन तुम कैसे करते हो, तुम रिविजन करते हो कि भैया पहले नोट्स उठाएंगे, NCERT उठाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। बट देख, बेस्ट चैप्टर्स तुझे आते हैं तो उनका रिवीजन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। उल्टा कैसे चलेंगे? सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर हमारे जो DPPs हैं उनको सॉल्व करेंगे। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसके बाद आप अपने नोट्स को रिवाइज करना या फिर NCERT को रिवाइज करना, जैसे भी आप करते हो। तो जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है ना, उनको रिवीजन करने का तरीका है ऐसे, ऐसे रिवाइज किया जाता है। अब बात करते हैं एवरेज चैप्टर की। एवरेज चैप्टर को कैसे रिवाइज करा जाता है? ये वो चैप्टर है जो मुझे आता तो है बट मेरे क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो इसके लिए देखो करना क्या है, सबसे पहले है कि हम नोट्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नोट्स करते हो, देखो इसके लिए पूरे के पूरे लेक्चर देखने मत बैठ जाना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि यूट्यूब पे वन शॉट देख लेते हैं कि भैया हम तो पूरा वन शॉट देख लेंगे और उससे रिवाइज करेंगे एवरेज चैप्टर को, ये बेवकूफी है, इतना समय नहीं है। आपने इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर आता तो है ना, तो डायरेक्टली अपने नोट्स उठाओ, नोट से रिवाइज करो, उसके बाद NCERT उठा लेना अगर NCERT से रिवाइज करते हो तो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और हायर लेवल क्वेश्चन करना। जैसे कि मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ JEE मेन, अगर तुम JEE मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो तो बेस्ट चीज है तुम्हारे लिए। तो ध्यान रखना एवरेज को ऐसे रिवाइज करा जाता है। अब बात आई वर्स्ट की, जो भैया बिल्कुल नहीं आते। अब देखो वर्स्ट जो आपकी जो बैकलॉग्स होती है ना यार, उनको स्ट्रांग बनाना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, YouTube पे जाकर वन शॉट लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, वन शॉट लेक्चर्स को देखेंगे, जो भी आपको पसंद है, जहां से भी आप पढ़ते हो, बट ध्यान रखना वो वन शॉट बहुत बड़े ना हो, 12-12, 13-13 घंटे के ना हो, एक लेवल पे हो। तो वन शॉट तुम्हें देखना है, उसके बाद तुम्हें जाना है और NCERT पढ़नी है, उसके बाद वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अपने होते हैं वो करने हैं। अब याद रखना ये जो वर्स्ट टॉपिक है ना, इन पे ज्यादा मेहनत मत करना। क्यों? क्योंकि यार देखो वर्स्ट टॉपिक पे अगर तुम बहुत टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, तो शायद तुम इन दो पे टाइम नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अभी के टाइम पे तुम्हारे वर्स्ट टॉपिक होंगे ही कितने। अगर तुम एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे शायद 4-5-6 चैप्टर होंगे। अगर मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 3-4-5 चैप्टर होंगे जो कि तुम्हारे वर्स्ट होंगे, तो उन्हें तुम्हें पढ़ना है, बट उतने ज्यादा फोकस से नहीं पढ़ना है जितना कि तुम्हें इन दोनों को पढ़ना है। क्योंकि अगर तुम इन दोनों को भी पढ़ लेते हो ना, तो एक अच्छा स्कोर तो आ जाता है। बट हाँ, अगर तुम नीट 2025 के एस्पिरेंट हो तो तुम्हें तो वर्स्ट टॉपिक को भी ढंग से पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम है। बट अगर तुम 24 वाले हो तो तुम इन दो पे ज्यादा फोकस करना, वर्स्ट वाले पे थोड़ा कम करना, बट करना जरूर। क्योंकि यार देखो सिंपल सी चीज है, कभी कभार होता है ना, हमारे नीट का लेवल तुम्हें पता ही है कितना कम हो चुका है, तो बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, सेम सवाल आ जाते हैं, बहुत बार होता है, रिपीटेशन हो रहा है। तो कोई भी चैप्टर छोड़ना तो है ही नहीं, एवरेज चैप्टर भी है तो एटलीस्ट मैं उसको, एवरेज चैप्टर नहीं सॉरी, जो वर्स्ट चैप्टर है एटलीस्ट मैं उसको वन शॉट तो पढूं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करूं। अगर मैं इतना भी नहीं कर रहा तो मैं फिर नीट का एग्जाम क्वालिफाई क्यों करूंगा? मैंने ऐसा उखाड़ा ही क्या जिंदगी में कि मैं उस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा? अगर मैं अपने वर्स्ट चैप्टर के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करके जा रहा हूं एग्जाम के अंदर, तो क्या मैं सच में डिजर्व करता हूं उस एग्जाम को क्रैक करना? खुद से पूछो।
तो देखो सिंपल सी चीज है, रिवीजन कैसे करना है बता दिया, पहली दो नॉर्मल टेक्निक्स थी, ये टेक्निक वो है जो कि चैप्टर तुम्हारे बैकलॉग्स हैं उनको तुम ऐसे रिवाइज करोगे। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे रिवीजन करना है, डेली रिवीजन कैसे करना होता है, एंड ये सारी चीजें तुम्हें मैं गाइड करता रहूंगा। और जैसे तुम्हें हमारे अगर रिसोर्सेज का एक्सेस उठाना है, फ्री एक्सेस, जैसे कि हमारे फॉर्मूला बुकलेट वगैरह, तो टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता रहता हूँ, उसको तुम ज्वाइन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना।